हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आज मैं इस जगह का मेकओवर करने वाली हूँ। ये जब मैंने किया था, इसके पहले मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये भी मैंने जुगाड़ से ही बिना दीवार पर कोई कील ठोके हैंगिंग प्लांटर के लिए स्पेस बनाया था। और आज मैं इस जगह को पूरा ही चेंज करने वाली हूँ, और घर में पड़े हुए कबाड़ से ही मैं यहाँ का पूरा कायाकल्प करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। दीवारों पर कील ठोकने से मेरा मानना है कि दीवार की शोभा खराब होती है, उसका कलर भी खराब होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है इस तरह से पैकिंग में आए हुए प्लास्टिक वाली रस्सी, और दूसरा लेना है आपको इस तरह का पाटा। आप छोटा बनाना चाहें, आपके जगह के अनुसार आप छोटा भी बना सकते हैं, और मैं बड़ा बनाने वाली हूँ। तो मैंने कुछ बड़े ही पाटे को लिया है और रस्सी को लिया है, और ये देखिए मेरे गार्डन में काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो डाल दिया। अब मैं छोटे वाले का भी बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो बड़े वाले का मैं बनाना शेयर करूंगी। तो आपको इस तरह से पाटा लेना है साइज़ के अनुसार, और ये मैंने ले लिया है, इसका ही मैं बनाने वाली हूँ पॉट्स रखने की जगह। और ये जो रस्सी होती है इतनी मजबूत होती है कि आप यदि इसे अच्छी तरह से खींचेंगे तो हाथ भी कट जाता है। तो सावधानी पूर्वक इसको मैं इस्तेमाल करूँगी, और ये एक वेस्ट मटेरियल ही है। तो आपको दो रस्सी लेना है बिना कोई जॉइंट के, बीच में कोई जॉइंट नहीं होनी चाहिए, और दोनों रस्सी की साइज़ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी ये प्लांटर बनेगा। और कुछ यदि लॉक करने के लिए इसके साइड में लगे हुए हैं तो उसे कट करके निकाल दीजिए, और आप रस्सी को बराबर ही लीजिएगा, तभी ये अच्छी तरह से सीधा एक सेल्फ बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने रस्सी को रेडी कर लिया है, और अब आइए इसके छोरों पर गांठ बांधना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जो लॉक होगा वो अच्छी तरह से लॉक नहीं होगा, वेट के वजह से फिसल कर आपकी जो गांठ है वो खुल भी सकती है। तो चारों किनारे पर रस्सी के चार टुकड़े हो गए, तो चारों किनारों पर आप इस तरह से टाइटली गांठ जरूर लगा दीजिएगा, तभी जो गांठ बनेगा वो अच्छी तरह से सिक्योर गांठ बनने वाली है। तो ये मेरा काम हो गया है। अब मैं जो जगह इसको बनाने वाली हूँ उस जगह की क्लीनिंग पहले कर लेती हूँ, और सभी जो हैंगिंग प्लॉट्स है उसे मैं निकाल देती हूँ। और आप लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया है, और ये सारा काम मैं अकेले ही कर रही हूँ। कैमरा भी ठीक से डायरेक्शन नहीं हो पा रहा था यहाँ पर, तो फिर भी मैंने समझाने की आप लोगों को पूरी कोशिश की हूँ। और ये पहले ही मैंने एक ऊपर बांस को या फिर रॉड को अब किस तरह से मैंने टांगा है, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही पसंद किया है, तो पहले सफाई कर लेते हैं इस जगह की। और इस तरह से देखिए हैंगिंग पॉट्स को टांगने के लिए मैंने वायर का यूज़ किया था, GI तार का, तो उसे निकालना थोड़ा टफ हो रहा है, और आप यकीन मानिए मैंने ये दो दिन में किया है, लेकिन वीडियो को मैंने बनाया है लगभग 8-10 मिनट के अंदर। तो अब लेना है ये जो रस्सी प्लास्टिक वाली जिसे हम लोगों ने रेडी कर लिया है गांठ बांध कर, अब इस बांस के ऊपर से घुसाकर नीचे लाना है, और बराबर करते हुए एक टाइटली गांठ को बांधना है, और ये गांठ दिखाई नहीं देगा, आप अच्छी तरह से ये गांठ को बांध दीजिए, और रस्सी के दोनों छोर में गांठ बंधी हुई है तो स्लिप करके ये गांठ खुलेगी भी नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये सिक्योर हो जाएगा ये गांठ। अब आगे आगे देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। तो इस तरह के DIY जुगाड़ मैं हमेशा करते रहती हूँ अपने गार्डन में, और परमानेंट करती हूँ कि एक बार यदि ये बन गया तो बहुत दिनों तक ये चलता है।
और अच्छा भी लगता है देखने में। और थोड़ी सी स्पेस की यदि आपको कमी है और हैंगिंग पॉट रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप इस तरह से जुगाड़ से अपने लिए एक स्पेस बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो स्पेस आप बनाइएगा तो ज़्यादा बड़े पॉट मत रखिएगा। इस तरह से देखिए, दोनों रस्सी को मैंने बांध दिया है छोरों को। अब इसके अंदर ये पटरा को मैं रख देती हूँ और रस्सी की जो छोर है उसे पटरा और दीवार के पीछे में रख दीजिए, ताकि दिखाई ना दे और देखने में सुंदर लगे। आप देख पा रहे हैं कितना मजबूत सेल्फ बनकर रेडी हो गया है। और आप यकीन मानिए, ये जो प्लास्टिक का जो रस्सी है ये बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए आप आराम से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स आप रख सकते हो। मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे रखा है आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी। जैसे भी मैंने पॉट रख दिया है, लेकिन फिर मैंने सजाकर थोड़ी देर बाद रखा है। अब देखिए इस जगह की हालत आप देख सकते हैं, और ऊपर मैंने पटरा लगाकर एक सेल्फ रेडी कर लिया है। तो किट्टू मेरा ज़्यादा खुश हो जाता है जब भी कोई मैं काम गार्डन में करती हूँ, ये मेरे साथ ही रहता है। इसको बहुत खुशी हो रही है नई जगह देखकर। अब ये पटरा देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने पेंट नहीं किया है, एक ग्रीन नेट का टुकड़ा मैं बिछा दे रही हूँ। और अच्छा है कि इसमें यदि आप प्लास्टिक बिछा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉट्स में हम लोग पानी डालेंगे तो पटरा ख़राब नहीं होगा। अब आइए, छोटे छोटे पॉट्स को रखने की बारी है। और ढेरों अभी छोटे पॉट्स होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, और सकुलेंट को रखना है तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में फ्लावरिंग हो रही है। और इस तरह से जैसे तैसे जल्दी जल्दी मैंने सजा दिया है, और देखने में मुझे लग रहा है कि अच्छा ही लगेगा। और इस जगह का बहुत ही सही इस्तेमाल हुआ है, बिना कील ठोके आप सेल्फ भी लगा लिए और बहुत सारे प्लांटर भी रख लिए। इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है गार्डन, और बहुत अच्छा लगता है। दिन भर यदि आप गार्डनिंग में कुछ नया करते हो तो आइडिया यदि आप लोगों को अच्छी लगी मेरी, तो नए नए मेरे चैनल में आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जुगाड़ से वो भी अपने छोटे से छोटे स्पेस को इस तरह से सजा पाए। और देखिए, कुछ प्लांट है मेरे पास, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, और अच्छा ही लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 2-3 दिन लगा इसे बनाने में, लेकिन मैंने वीडियो आप लोगों के लिए एक ही दिन में बनाकर रेडी कर दिया है। तो मेहनत तो लगती है, लेकिन जब सुंदरता लास्ट में दिखाई दे तो मन को बहुत खुशी होती है। ये देखिए, बिफोर आफ्टर का लुक मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक को लेकर किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें, और आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।